गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर एम इमरान सर आज की क्लास में एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 में एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 to 13। सर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। यानी वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र को ज्ञात करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू है स्टूडेंट, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक लाइन लेना है y इक्वल टू 3। तो एक हम लोग लाइन ले लेते हैं y इक्वल टू 3, तो एक लाइन ले लेते हैं y इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 एक लाइन हम लोगों ने ले लिया, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3। ये जो एरिया बना है फ्रेंड्स, इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी एरिया को मान लेते हैं a1, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2 times of a1। तो 2 a1 की वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 0 to 3 तक y, तो y की वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 2√x(dx)। इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 into 2 divided by 3 x के पावर 3/2, और लिमिट स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं 0 to 3 तक। ये हो गया स्टूडेंट 8/3, और इसकी वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 3/3/2, दैट इज 3√27 होगा, √27। तो √27 का मतलब हो गया स्टूडेंट कितना, 3√3। तो 8/3 × 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू हो गया स्टूडेंट कितना, देखे 8√3² यूनिट। ओके, 8√3² यूनिट। ये रहा स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 2 to x = 0 to x = 2। प्रथम चतुर्थ अंश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखा x = 0 to x = 2 से घिरे क्षेत्र को ज्ञात करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक वक्र बना लेते हैं। देखिए वक्र किस तरह से बनेगा, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या है स्टूडेंट्स कितना, देखें 2, और एक लाइन ले लेंगे हम लोग 0 to 2 तक। तो एक लाइन ले लेते हैं 0 to 2 तक, 0 to 2, तो ये लाइन 2 पे ही रहेगा। और ये रहा 0, ये 0, ये लाइन x = 2, इसका रेडियस भी 2 है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये एरिया निकालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो एरिया जो निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो 1/4 πr² होगा। तो ये रहा 1/4 π, और r की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए πr² यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा रहा है इसमें, देखे ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए पाई इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व
y square equals to 4x and the line y equals to 3. एक वक्र y square equals to 4x, y अक्ष एवं रेखा y equals to 3 से घिरे क्षेत्र को ज्ञात करें। तो किस तरह से ज्ञात करते हैं इसमें देखें, सबसे पहले हम लोग वक्र ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ है हमारा y square equals to 4x, ये ग्राफ हो गया y square equals to 4x, और एक लाइन लेना है y equals to 3। तो एक लाइन हम लोग ले लेते हैं y equals to 3, तो ये लाइन y equals to 3, y equals to 3। हमें स्टूडेंट्स एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equals to ये एंड द लाइन, यानी हमें स्टूडेंट्स इस एरिया को निकालना है। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप को हम लोग y एक्सिस में भी ले सकते हैं और स्ट्रिप को हम लोग x एक्सिस में भी ले सकते हैं। जब स्टूडेंट हम लोग स्ट्रिप को y एक्सिस में लेंगे तो 0 से लेके कहां तक चलेंगे, 3 तक, एंड कर्व का एरिया ले लेंगे, कर्व का एरिया। तो स्ट्रिप ले लेते हैं अलोंग y एक्सिस, स्ट्रिप इज टेकन अलोंग y एक्सिस, स्ट्रिप is taken along y axis। तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट देखें, एरिया इक्वल्स टू 0 to 3, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा x, तो x का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स y के पावर 3/3, साथ में ये 1/4 है। अब लिमिट स्टूडेंट 0 से लेके 3 तक, तो 1/12, 3 का पावर हो गया 3, माइनस 0 का पावर हो गया 3, तो इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट 1/12 एंड 3 का पावर, तो 3 × 3 के पावर लिख लेते हैं 2, 3 से 3 काटेंगे तो 4, डेट इज 9/4 स्क्वायर यूनिट। 9/4 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। तो ये बन गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज एनसीईआरटी वॉल्यूम मैथ सेकेंड के अंदर क्लास 12th में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर लिया, यानी जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट हम लोगों ने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सारे वीडियोस को बार बार अच्छे से दोहराते रहे, टाइम टू टाइम प्रॉपर नोट्स बना लें, कौन कौन से क्वेश्चन किस मेथड से बनाए गए हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं, स्क्रिप्ट का क्या रोल है, वो आप अच्छे से सीखें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगे और लंबे समय तक आप इसे मेमोराइज कर पाएंगे, आप इसे समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी आपके साथ एक बेस्ट प्रिपरेशन कर पाए। ओके, वीडियोस को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, और साथ साथ अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल पर अपलोड हो आपको इसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।